हाँ जी बेटा, तो आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.7 का कॉन्सेप्ट बेटा, दैट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अब आप लोग ही मुझे डेरिवेटिव बताओगे। ध्यान से पहले सीखना है हमने कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है क्या। ध्यान से देखना बेटा, जब हम बेटा सबसे पहले क्या होता था, मान लो y आपके पास साइन x है, जब मैंने एक बार डेरिवेटिव किया, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, आप लिखते थे डी वाई बाय डी एक्स, यू राइट हियर कॉस एक्स लिखते थे ना। अब जो आंसर आया इसका दोबारा डेरिवेटिव करना, मतलब डी वाई डी by dx of dy by dx, आंसर का दोबारा डेरिवेटिव करना, इसे हम कहते हैं d2y by dx square। ओके रसिका, पता चला, इसको बेसिकली हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। दैट मींस जो आंसर है उसका दोबारा, रूल्स वही लगने, बट अगेन यू हैव टू डू द डेरिवेटिव। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, बस नथिंग एल्स। बात क्लियर हुई, ठीक है जी। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक, मैं कहती हूं फाइंड डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो क्या करेंगे। हां जी बेटा समय अंक, डी वाई बाय डी एक्स क्या आएगा बेटा, नहीं पता। ई पावर एक्स का डेरिवेटिव पता क्या होता है, क्या, हाँ जी, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई पावर एक्स, वेरी गुड रसिका। तो बेटा ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, बट एक्स नहीं था तो वो टू आ जाएगा, हो गया। अब दोबारा इसका डेरिवेटिव लेना, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो, यहां डी टू y, यहां डी एक्स स्क्वायर लिख दो, प्रेजेंटेशन देखिए ना, तो दोबारा करेंगे e पावर x का e पावर x ही रहेगा, आगे 2 था वो भी लग गया, लेकिन साथ में फिर 2x का डेरिवेटिव 2, तो दैट मींस 4 e पावर 2x। बात क्लियर हुई बेटा सबको, ठीक है बेटा, कोई डाउट तो नहीं यहां पर किसी को, चले आगे, पता चल गया डेरिवेटिव कैसे करना है। चलिए बेटा अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, आपको तभी पता चलेगा, और खुद करो, फॉर्मूलेस नहीं आते कोई बात नहीं, बट यू हैव टू ट्राई ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना है। फर्स्ट बेटा फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द बेटा फॉलोइंग फंक्शन। अब मुझे कहा है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है फॉलोइंग फंक्शन का, तो उसमें बेटा हमारे पास सबसे पहले फंक्शन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, क्या करें, डिफरेंशिएट करें। हां जी बेटा, लक्षित क्या बनेगा इसका, वेरी गुड, 2x प्लस 3। पता चला कैसे, x पावर n का फॉर्मूला लगाया, समय पावर आगे चल जाती है, एक पावर कम हो जाती है, वेरी गुड, और 3x, x की पावर 1 है, पावर आगे गई, एक कम हो गई, x की पावर 0, तो वो 1 ही हो गया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब दोबारा इसका करना है, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, दैट इज 2 ओनली, x का 1, कांस्टेंट का 0। चलिए बेटा 2x की पावर 1 है, पावर आगे गई, एक पावर कम होगी, ठीक है ना। चलिए हमारे पास नेक्स्ट हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इजी, जल्दी जल्दी कीजिए। हाँ जी, मेरे पास क्या बना यहां पर, डी वाई बाय डी एक्स 20, एक्स पावर 90, डी टू वाई बाय डी एक्स कितना बनेगा, 20 इंटू 19
एक्स पावर 18। ओके जी, क्लियर बेटा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाँ जी, वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। क्या करेंगे बेटा पहले? प्रोडक्ट रूल, वेरी गुड। रीजन, क्योंकि मेरे पास दो फंक्शन हैं, ठीक है? तो डी वाई बाय डी एक्स फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो मेरे पास प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स, मेरे पास क्या हो जाएगा? वन। ओके, तो मेरे पास यहां पर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अभी तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है, आगे क्या करेंगे? सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब बेटा जब यहां डेरिवेटिव करना है, दो टर्म्स आ गई, बीच में प्लस है, इसका डेरिवेटिव अलग, इसका डेरिवेटिव अलग, जब इसका करेंगे तो यहां पर कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। बिल्कुल सही बताया रसिका ने। रीजन, क्योंकि यहां दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड में, इसीलिए तो माइनस बाहर रहने देते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स, कितना बन गया? वन बन गया। तो वन लगाओगे प्लस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट्स को ओपन करो, मेरे पास क्या बना बेटा? व्हाट आई विल गेट हियर? हां जी बेटा, आई एम गेटिंग हियर, यू जस्ट सी, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स। तो बेटा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस टू साइन एक्स। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं बेटा किसी को? एनी डाउट टू एनी वन? चले बेटा आगे, क्लियर? चलिए नेक्स्ट बेटा, मेरे पास है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बेटा मेरे पास क्या है, देखिए, वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स, एक ही फंक्शन है ना, कोई टेंशन ही नहीं। क्या करेंगे? लॉग एक्स का डेरिवेटिव दमन, लॉग एक्स का डेरिवेटिव समयांक वन बाय एक्स। फॉर्मूले लर्न करो बेटा, आगे सारा चैप्टर डेरिवेटिव पे है, ये टारगेट रखो, घर जाके आज हमने डेरिवेटिव के फॉर्मूले लर्न करने हैं। बस फॉर्मूले लर्न हो गए ना तो क्वेश्चन हो जाएंगे, अगर फॉर्मूले लर्न नहीं है आप जितना मर्जी कोशिश कर लो सीखने की, आप नहीं कर पाओ। ओके, तो मेरे पास जो है बेटा लॉग एक्स का डेरिवेटिव, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ वाई डैश, वन इज द सेम थिंग, वन बाय एक्स, वन बाय एक्स मतलब एक्स की पावर माइनस वन हो गया ना, है ना। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना, पावर आगे एक पावर कम, तो दैट मींस माइनस वन बाय एक्स के। ओके बेटा, क्लियर? चलिए नेक्स्ट बेटा, फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, सारे क्वेश्चन सेम है, फिफ्थ सिक्स सेवेंथ प्रोडक्ट रूल लगना है, ट्राई इट एज योर होमवर्क। आई एम डूइंग एट्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन सारे सेम है बट फॉर योर प्रैक्टिस वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर एट, देखिए टैन इनवर्स एक्स क्या है बेटा मेरे पास यहाँ पर। अब टैन इनवर्स एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव देखूं तो बेटा मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा? y डैश। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही बना ना y डैश। अब दोबारा डेरिवेटिव करूंगी, पहले इसको बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, मतलब ऐसे ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव होगी ना। अब ये पूरा x बन गया, x की पावर n, क्या होता है n x n माइनस वन, चेन रूल लगेगी, तो मेरे पास y डबल डैश इज पावर आगे गई, एक पावर कम हो गई, इनटू मेरे पास अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, पुनः एक्स चाहिए, है क्या? वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं लूंगी तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा? टू एक्स। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो बेटा आंसर इज दिस। ओके बेटा,
क्लियर? चले बेटा आगे, लक्षित एनी डाउट? समयांक दमन, रसिका क्लियर बेटा? चलिए वेरी गुड, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9th। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9th में स्टेटमेंट क्या दी हुई है? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट, हु इज एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन? y इज इक्वल टू log log x, क्वेश्चन नंबर 9th। जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी रेज योर हैंड, हु इज एबल टू टेल मी? हाँ जी बेटा फतेह, अनम्यूट योर सेल्फ। फतेह बेटा, फतेह बेटा अनम्यूट योर सेल्फ, जल्दी बेटा। फतेह, हाँ जी राणा, राणा अनम्यूट योर सेल्फ बेटा। यस सर, फर्स्ट डेरिवेटिव 1/x (log x), ओके। सेकंड डेरिवेटिव माइनस वन बाय एक्स लॉग एक्स, आगे कैसे करेंगे? y" = -1/x (log x) का होल स्क्वायर इनटू x (1/x) + log x (1). ओके, चेन रूल लगेगी। हम इसको बेटा एक्स लॉग एक्स की पावर माइनस वन लिख देंगे ना, क्योंकि डिनोमिनेटर का एज इट इज तो हमें आता नहीं है, तो ये एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव। जब मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया तो पावर आगे गई, एक पावर कम हो गई, तो बेटा मेरे पास साथ में चेन रूल लगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन, ये कट गया। हाँ जी माइनस, अब बेटा ऊपर ये रहेगा 1 + log x, क्योंकि ये पावर माइनस टू है, तो ये कहाँ आ जाएगी? डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? x log x की पावर 2। चेक कर लो राणा, यही आंसर बन रहा था आपका? यस मैम। ओके बेटा क्लियर, चले बेटा आगे। अब मेन पेपर में बेटा एमसीक्यू टाइप में देखिए तो प्रूफ टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको कोई स्टेटमेंट ऊपर आ सकती है और पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो अल्टीमेटली आपको बना के देखना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि पुटिंग करेंगे तो चार ऑप्शंस है, चारों में पुट करके देखना पड़ेगा, तो बेटर क्या होता है बना के क्वेश्चन करने के लिए। वैसे जैसे मर्जी कर लीजिए, प्रैक्टिस से दोनों टाइप्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है? मैं दोनों दोनों आपको करके दिखा देती हूँ, दोनों मेथड्स, एक में हम पुट करते हैं एक में हम बनाते हैं। व्हाट इज गिवन हियर इन द 11th क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू, प्रूव दैट d2y/dx² + y = 0। क्लियर कट है, देखो डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव चाहिए ना, कॉन्सेप्ट आएगा तो एमसीक्यू टाइप करोगे ना, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे, dy/dx, हाँ जी 5 cos का डेरिवेटिव - sin x + 3 cos x, d2y/dx², हाँ जी -5 cos x - जो है ये क्या बन जाएगा +3 sin x। क्लियर कट है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, देखो मैं बनाने की कोशिश कर रही हूं, जब मैं बनाऊं तो ये क्लियर कट, देखो वाई बन गया, बन रहा है ना भाई, तो मैं इसकी जगह पे -y लिख दूं, ये उधर जाएगा, तो d2y/dx² + y = 0, जिसमें भी यहां तो प्रूफ ही करना है पेपर में ही, मान लो यहां कहीं पे नेगेटिव दिया है, किसी के बीच में यहां 2 लगा दिया, कहीं पे y स्क्वायर लगा दिया, जब आपने बना ली तो उनमें से देख लेना कौन सा बन रहा है, उसको टिक कर देना, ठीक है बेटा? क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सक्षम शर्मा, काक्षी, कार्तिक, एनी प्रॉब्लम?
नो रिस्पॉन्स फ्रॉम काक्षी सक्षम कार्तिक दैट मीन्स यू आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास बेटा ऑन योर वीडियो काक्षी सक्षम एंड कार्तिक साक्षी सक्षम एंड कार्तिक काक्षी सक्षम एंड कार्तिक वेरी नाइस बेटा चलिए बेटा मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 12th पार्ट देखिए हम सब्स्टिट्यूट करके भी निकाल सकते हैं कैसे मेरे पास हो गए अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैं वैसे वो बनाने की कोशिश ही करती होती हूँ y is equal to cos inverse x d 2y by dx square in terms of y alone उसने कहा y की फॉर्म में देना है आंसर तो कैलकुलेट करें सबसे पहले y मेरे पास हो गए 1 by under root 1 minus x square साथ में माइनस हम ऐसे भी कर सकते हैं एक और तरीका भी है मेरे पास क्योंकि उसने क्लियर कट आपको आंसर किस में निकालने को कहा है y की फॉर्म में फंक्शन y में होना चाहिए तो क्यों ना मैं cos पहले इधर कर लेती मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाती ना उससे क्या हो जाना है मुझे बार बार यहाँ x कुछ पुट नहीं करना पड़े नहीं तो आपको बाद में x की वैल्यू cos y पुट करनी पड़े ये स्मार्टनेस चाहिए होती है हमें MCQ में ठीक है मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ कि मैं इसको cos y लिख दूं डेरिवेटिव लूं तो cos y का माइनस साइन y dy by dx इक्वल टू x लिख सकती हूँ अब मैं क्या करूं डबल डेरिवेटिव x का वन करेंगे बिल्कुल बिल्कुल करेंगे अब मैं क्या करूं डबल डेरिवेटिव लो या डिफरेंशिएट बोथ साइड जब मैं करूंगी तो क्लियर कट फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x और नेगेटिव भी है तो माइनस cos जब मैंने y लगाया ना तो डी वाई बाय डी एक्स भी आएगा इक्वल टू जीरो ये डी वाई बाय डी एक्स स्क्वायर हो गया मैंने डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू यहां से वन ओवर माइनस साइन वाई पुट कर दो यू विल गेट योर आंसर ओके जी सारा कुछ वाई में हो गया ना मुझे टेंशन ही नहीं समझ आया बेटा हम ऐसे भी क्योंकि माइट भी उन्होंने आंसर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिया अच्छा माइट भी अगर आपको वहां नजर आ रहा है सिंपल कहते हैं डी टू वाई बाय डी एक्स के है ना और आंसर एक्स में दिया हुआ है आपने देखना है कि आंसर की फॉर्म उन्होंने कैसे दी है अगर एक्स में दिया होता तो मैं सीधा डेरिवेटिव करती एमसीक्यू में अगर वाई में दिया तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा मैं उस तरीके से भी कर सकती हूँ एक्स में करके बाद में एक्स की वैल्यू क्या पुट करूंगी कॉस वाई पुट कर दूंगी तब भी वो एक्स इलिमिनेट हो जाए टोटली डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शन गिवन टू ओके हो जाएगा आगे बेटा चले आगे हाँ जी नेक्स्ट मेरे पास हो गए बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज गिवन वाई इज इक्वल्स टू 3 cos log x plus 4 sin log x show that x2 y2 plus xy1 plus y is equal to 0 मैंने स्टार्टिंग में भी आपको ये बताया था ये y2 का मतलब क्या है डबल डेरिवेटिव y1 का मतलब सिंगल डेरिवेटिव ओके तो अब इसी चीज को हम करेंगे हमने प्रूफ करना है ना तो सबसे पहले वैल्यूज निकालने y2 और y1 की y की वैल्यू मैं निकालने लगी y1 3 cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x पर x नहीं था log x था उसका डेरिवेटिव 1 by x हो गया अब आ गए मेरे पास प्लस 4 sin
एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है पर एक्स नहीं था, लॉग एक्स था तो वन बाय एक्स। अब देखो स्मार्टनेस पता किसमें होती है, ऐसी फॉर्म बनाने में। क्लियर कट वाई टू के साथ एक्स चाहिए मुझे, यहां से वाई कॉमन आ रहा है, मैं इसको सॉरी एक्स, तो मैं एक्स को उधर ना ले जाऊं, मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी ना बेटा, नहीं तो आपको क्वोशेंट रूल लगाना पड़ेगा, है कि नहीं है। ये चीज हमने पेपर में दिमाग में रख ली, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स को उधर ले जाएं ऐसे, जब मैं एक्स को उधर मूव कर गई, अब डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, तो अब मेरे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज वाई वन का डेरिवेटिव लूंगी तो वाई टू बन गया, प्लस सेकेंड एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव वन बना। अब इधर देखिए सेम डेरिवेटिव चलेगा, माइनस थ्री साइन का डेरिवेटिव कॉस लॉग एक्स ओवर एक्स, सेम कॉन्सेप्ट चलेगा कि नहीं, ऐसे ही प्लस फोर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन लॉग एक्स ओवर मेरे पास क्या आएगा एक्स। अब इस एक्स को मैं कहां ले जाऊं, दूसरी तरफ, तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स हो गया, ये एक्स मेरा खत्म हो गया। अब ये क्लियर कट क्या है, देखो ये मिलती जुलती है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, मैं माइनस दोनों से कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बन जाएगा, एज इट इज वाई जो ये वाई दी है, अगर मैं माइनस दोनों से कॉमन ले लूं ये सारी चीज क्या बन गई, वाई बन गई ना, तो मैं इसकी जगह पे एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू माइनस वाई ये लिख सकती हूँ, वाई इधर आ गया क्या बन गया प्लस वाई, तो मेरे पास यही आंसर टू होगा ना बेटा, बात समझ आई बेटा। ऐसे ही हमारे पास मतलब एमसीक्यू टाइप में तीन चार ऑप्शंस हो सकती हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो अगर आप बनाना सीख जाओगे ना, क्योंकि अगर आप सब्स्टिट्यूट करें तो बेटा चारों की चारों ऑप्शन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, जब हमने बना ही लिया तो हमें पता चल जाएगा कि सारों में से कौन सी ऑप्शन ट्रू है। बात क्लियर हुई समयांक रसिका बेटा, हाँ जी बाकी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही, इट इज क्लियर टू यू, यस मैम, ओके ओके बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट, अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर आप 14, 15 खुद ट्राई करना, मैं बेटा क्वेश्चन नंबर करने लगी हूँ 16, ओके जी। चलिए बेटा लेट अस डू नाउ द क्वेश्चन नंबर जो है 16। अब देखिए सेम आपको मैं बार बार कह रही हूं, अगर बाय चांस नहीं बनता है तो सब्स्टिट्यूट करके भी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम देखते हैं कि हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट यहां पर लगता है, ई पावर वाई एक्स प्लस वन इक्वल टू वन शो करना है मुझे, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब कई बच्चे पता क्या करते हैं, पहले इसको इधर ले जाते हैं, ई को जब हम उधर लेके जाते हैं वो बन जाता है लॉग, वो क्या बन जाता है लॉग, तो उससे कैलकुलेशंस माइट भी आपकी इजी हो जाए, मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कई बच्चे पहले ही वाई वाली टर्म मतलब एक तरफ रख लेते हैं, जैसे ई की पावर वाई ऐसे लिखा, अब अभी भी इसको डेरिवेटिव नहीं किया, रीजन उसने लॉग एम ओवर एन, आपको पता लॉग एम माइनस लॉग एन होता है और लॉग वन क्या होता है जीरो, तो ये वाई देखो कितना सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, कर दिया। अब डेरिवेटिव बना ले तो डी वाई बाय डी एक्स, हाँ जी माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन
और x प्लस वन का डेरिवेटिव वन ही रहने, ठीक है ना, चेन रूल लगाए तो डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हो ऐसे ही। अब क्या करें, मेरे पास पावर आगे जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी इनटू इसका वो वन ही, इसको लिख सकती हूँ वन ओवर एक्स प्लस वन का स्क्वायर। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स वही है, सिर्फ फर्क किसका है, नेगेटिव का। तो अगर मैं स्क्वायर के अंदर नेगेटिव लगा भी दूं तो कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता ना। तो मेरे पास ये डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर ही बन गया, प्रूफ हो गया। कोई बच्चा दोनों साइड पे पुट करके चेक कर ले, इट डिपेंड्स अपॉन यू। समझ आई बात बेटा, कोई डाउट है तो यू आर फ्री टू आस्क, जहां पर भी डाउट है पूछना पड़ेगा आपको, क्लियर। चले लॉग वन की वैल्यू जीरो, ये जीरो हो गई, ये माइनस लॉग ये एज इट इज आ गया। अब मैंने सिंप्लीफाई कर लिया ना वाई को, नाउ टेक डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स, क्योंकि ये नीचे था तो इसको पावर माइनस वन भी लिख सकते थे। समझ आया बेटा रसिका, कोई डाउट तो नहीं बेटा, दमन क्लियर, समयांग। चलो नेक्स्ट 17th क्वेश्चन, हाँ जी बेटा क्वेश्चन नंबर अगर मैं 17th देखूं मेरे पास बेटा, वेरी इजी क्वेश्चन नंबर 17th, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर, शो दैट। आई हैव टू प्रूव दिस, अब करिए सारे, ऑल ऑफ यू ट्राई योर सेल्फ, चलिए हरी अप, बी फास्ट, जल्दी जल्दी। हां जी प्रभनूर, हाउ कैन वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन, अनम्यूट योर सेल्फ प्रभनूर। यस मैम। कैसे स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे लेंगे मैम? टू टैन इनवर्स एक्स इनटू टैन इनवर्स एक्स डेरिवेटिव, दैट इज वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड प्रभनूर, पावर आगे गई, एक पावर कम हो गई, साथ में tan inverse का डेरिवेटिव 1 over 1 plus x के। अब देखो स्मार्टनेस किस में है, यहां y 2 के साथ x square plus 1, मतलब ये आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसको उधर ले जाओ, पहले ही ले जाओ, ठीक है। तो जब आप ले जाओगे तो 1 plus x square, क्योंकि अगर आप इसका प्रोडक्ट रूल करोगे या quotient रूल करोगे लंबाई बनेगा ना बेटा। तो अगर एमसीक्यू में वो कोई भी प्रूफ करना है, मैं बार बार कह रही हूं आपका बन रहा है तो आपको जल्दी आंसर पता चले, इंस्टेड ऑफ पुटिंग इन ईच ऑप्शन, ठीक है जी। तो मेरे पास वाई वन क्या बच गया यहां, टू टैन इनवर्स एक्स है ना। अब दोबारा डिफ्रेंशिएट करें तो मेरे पास फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ये वाई टू बन जाएगा, प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2x, अगेन 2 इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा, ओके जी। तो अब मेरे पास यहां पर क्या रह गया बेटा, दैट इज इसको फिर उधर ले जाए, क्योंकि देखो वहां होल स्क्वायर चाहिए, जब आप इस ऑप्शन को उधर ले जाते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बाय 2 2x x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू, साथ में y1 भी है मेरे पास, इज इक्वल्स टू ट्रू, यही प्रूफ करना था। बनाना बहुत इजी है, सब्स्टिट्यूट करना, करके निकालना, थोड़ा सा कई बार कैलकुलेशंस बढ़ जाती है, ओके जी। दिस कंप्लीट्स योर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। सारा टॉपिक हो गया, क्योंकि थ्योरम जो है वो डिलीटेड है, वो कोई टॉपिक नहीं है। आप लोग जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज हम करेंगे, मिसलेनियस के एग्जांपल्स भी कई
बहुत अच्छे हैं, आप लोग ट्राई करोगे। आपका होमवर्क जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, जस्ट होमवर्क है, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? फर्स्ट 5 क्वेश्चंस इज योर होमवर्क। ट्राई दीज क्वेश्चंस एंड वी विल डिस्कस इन द क्लास टुमारो।